Today's topic is what do you mean by module, package and library in Python and what is the difference between all these three terms. तो सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो किस तरह से बता सकता हूं कि मॉड्यूल, पैकेज और लाइब्रेरी क्या होती है। मान लो कि ये एक पेपर है, ठीक है, इस पर आप कुछ भी चीज लिख सकते हो, कोई फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, कोई वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो या फिर कोई क्लास डिफाइन कर सकते हो। ये प्रॉपरली एक पेज है जिसपे आप कोई भी चीज लिख सकते हो, तो इस प्रॉपरली पेज को एक मॉड्यूल का नाम दे सकते हो कि ये एक मॉड्यूल है जिसपे आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, फंक्शन वेरिएबल या फिर क्लास का नाम हो सकता है। अब मान लो कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा मॉड्यूल, यानी कि एक से ज्यादा मॉड्यूल, एक से ज्यादा पेजेस हमारे पास पड़े हैं जिनको रखने के लिए हमें किसी जगह की जरूरत होती है। अब मान लो कि ये कॉपी है, कॉपी के बीच हम बहुत ज्यादा पेज रख सकते हैं, बहुत ज्यादा मॉड्यूल हो सकते हैं और इस प्रॉपर कॉपी को एक पैकेज का नाम देते हैं। पैकेज मान लो कि जब आप Amazon से ऑर्डर करते हो, Flipkart से ऑर्डर करते हो, तो आप मंगवाते हो ना कि कोई पैकेज आ रहा है हमारे घर, तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये एक प्रॉपर पैकेज हो गया जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मॉड्यूल्स है, बहुत ज्यादा पेजेस है। अब क्या होता है कि मान लो आपके पास एक कॉपी है, इस तरह से आपके पास बहुत ज्यादा कॉपीज हो सकती हैं। ये सारी की सारी कॉपीज आप मान लो कि लाइब्रेरी में अगर आपने रखी हो, लाइब्रेरी में एक बुक होगी, दो बुक होगी, बहुत ही ज्यादा बुक्स होंगी इसी तरह की, तो वो सारी की सारी चीजें जो होती है रियल टाइम में जो आप लाइब्रेरी देखते हो, उसी तरह से मैं कंपेयर कर रहा हूं कि ये भी जो लाइब्रेरीज होती है वो सारे कॉम्बिनेशन होती है काफी ज्यादा पैकेजेस की, तो उस चीज को हम लाइब्रेरी का नाम देते हैं। तो इन शॉर्ट एक पेपर जो होता है, एक प्रॉपर फाइल जो होती है, उसको मॉड्यूल का नाम दिया जाता है, उसके बाद इसी के कलेक्शन को जिसमें रखा जाता है उसको पैकेज का नाम दिया जाता है, और उसके बाद ये सारे के सारे पैकेज जिस जगह पे रखे जाते हैं उसको लाइब्रेरी का नाम दिया जाता है। तो सिंपल भाषा में ये तीनों चीजें होती हैं। अब अगर इसी चीज को थोड़ा टेक्निकल वे में आपको बताना चाहूं तो किस तरह से बता सकता हूं कि जो मॉड्यूल होता है इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस और वेरिएबल्स, यानी कि उसमें हम बहुत ज्यादा फंक्शन डिफाइन करके रख सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबल डिफाइन करके रख सकते हैं, और इन द एंड वो जो फाइल होती है वो .py एक्सटेंशन वाली होनी चाहिए, तभी वो मॉड्यूल कहलाती है एक पर्टिकुलर पाइथन के पैकेज में। उसके अलावा किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आप सिर्फ इंपोर्ट लिखे और उसके बाद उस पर्टिकुलर फाइल का नाम लिखे, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का नाम लिखे, तो इस तरह से आप उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं पैकेज की बात करूं तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स को जब किसी फोल्डर में रखा जाता है, यानी कि पैकेज को एक फोल्डर के साथ कंपेयर कर सकते हो, जब हम वो सारे के सारे मॉड्यूल को किसी फोल्डर में रख देते हैं तो उस चीज को हम एक पैकेज का नाम देते हैं, उस डायरेक्टरी को हम एक पैकेज का नाम देते हैं। अब इसमें एक और ध्यान देने वाली बात होती है कि जो हम पैकेज डिफाइन करते हैं उसमें एक फाइल जो होती है वो एम्प्टी फाइल होती है, जिसको _init_.py फाइल के साथ डिनोट किया जाता है। ये एक एम्प्टी फाइल होती है जो कि पाइथन के इंटरप्रेटर को ये चीज बताती है कि जहां पर भी ये फाइल पड़ी है वो एक प्रॉपर पैकेज कहलाता है पाइथन में। अब बात करते हैं लाइब्रेरीज के बारे में, तो इन रियलिटी पाइथन में एक्चुअली ज्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता पैकेज और लाइब्रेरी में, क्योंकि पैकेज के अंदर भी सब पैकेजेस हो सकते हैं। उसी तरह से जब इन सबके कलेक्शन को हम कंबाइन करते हैं तो उसको लाइब्रेरी का नाम दिया जाता है। इन शॉर्ट कि अगर कोई कोई पैकेज ऐसे होते हैं जो कि अंदर बहुत ही ज्यादा सब डिवाइड होते हैं, तो उन सब पैकेजेस को कभी कभी लाइब्रेरी का नाम दिया जाता है और उन्हीं लाइब्रेरीज को कभी कभी पैकेज का नाम दिया जाता है, यानी कि इन रियलिटी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन हाँ, जस्ट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस ये चीज बोल दी जाती है कि पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी इज द कलेक्शन ऑफ पैकेजेस, तो इस तरह से आप इन तीनों चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इन्हीं की एग्जांपल देना चाहूं तो आप ये सारे की सारे एग्जांपल उनको उस दौरान बता सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कई पैकेजेस इतने ही ज्यादा वास्ट हो जाते हैं कि उनको भी लाइब्रेरीज ही कंसीडर किया जाता है, जैसे कि NumPy और Pandas, इन दोनों को पैकेज भी ट्रीट किया जाता है और इन दोनों को लाइब्रेरीज भी ट्रीट किया जाता है। तो ये सारा का कंसेप्ट था, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं इन्हीं के बेसिस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल इन पाइथन, तो उसके लिए आप ये सारा का सारा आंसर उनको उस टाइम पे बता सकते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताने की जरूरत होती है, देन उसके बाद प्रॉपरली एग्जांपल देने की जरूरत होती है, ये भी चीज बता सकते हो कि किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है। देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज इन पाइथन, तो उसके लिए भी आपको सेम जिस तरह से आपने मॉड्यूल के बारे में बताया उसी तरह से पैकेज में बताने की जरूरत होती है और आप ये सारा का सारा आंसर उनको उस टाइम पे बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी इन पाइथन, उसके लिए भी आप ये सारा का सारा आंसर उनको उस दौरान बता सकते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड पैकेज इन पाइथन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो आप इन दोनों के जितने भी डिफरेंस होते हैं प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो मैंने रियल टाइम एग्जांपल्स आपको दी थी आप वो सब चीजों के बारे में भी बता सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मॉड्यूल अ पैकेज एंड अ लाइब्रेरी इन पाइथन, तो उसके लिए आप ये सारी की सारी चीजें लिख सकते हो। एक और चीज जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पैकेज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है तो उसको एज ए लाइब्रेरी की तरह ही ट्रीट कर लिया जाता है, जैसे कि नम पाई और पांडास, तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये चीज आप उनको उस टाइम पे इंटरव्यू में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ ए मॉड्यूल पैकेज एंड लाइब्रेरी इन पाइथन, तो उसके लिए आप ये सारे के सारे एग्जांपल्स उनको उस दौरान बता सकते हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिस पे पूछे जाते थे। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हो। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।